हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स जो आपको 5 से 10% मे बी 15 से 20% भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि किस स्टाइल से आप ट्रेड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। इंग्लिश में एनालिसिस चाहिए तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम राइट नाउ, जिससे कि आप अपने चार्ट्स, अपना व्यू मुझे बता सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं। टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन हो, वहाँ पे इट्स अ ओपन बेस्ड टेलीग्राम चैनल, सो दैट आप लोग भी अपना व्यू पुट कर सकते हो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली चेकआउट। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो निफ्टी में मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि एक ये जो जोन था जिसके बाद ब्रेकडाउन हो गया, उसी जोन में वापस आ गया है, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अब अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, मैं दो ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, मूविंग एवरेजेस और RSI। तो दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करो, प्राइस एक्शन कंबाइन करो, तो पता चलता है कि एक हायर हाई बना, बट मार्केट ने RSI में दिखाया कि एक लोअर लो बना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जबकि काफी इफेक्टिव टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई और सपोर्ट लेने के लिए फिर से आई है। दो तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल बने तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता है, लेट्स से कि पहले लेट्स गैप्स डाउन की प्लान करते हैं, थोड़ा गैप डाउन या गैप अप क्या होता है, तो उस हिसाब से देखो दोनों मूविंग एवरेजेस टाइम के साथ साथ एक पास में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है या फिर एक गैप डाउन होता है यहाँ पे और गैप डाउन के बाद ऊपर आ जाता है इस तरीके से, क्लोज कर देता है फर्स्ट केस, तो वहां हम लोग को बाय पोजिशन जो है अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड आर सेकेंड टारगेट विल बी द टॉप। ओके, तो ये दोनों टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट। नाउ इफ अगर आप देखो कि एक गैप डाउन होता है, ठीक है, एंड उसके बाद एक फॉलिंग कैंडल दिखती है जो कि क्लोज होती है, तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एरिया जो कि ये टॉप था। कौन सा एरिया हो जाएगा ये, लेट मी मार्क इट। ये हो जाएगा आपका 17,089, ठीक है। तो ये आपका टारगेट डाउन साइड के लिए हो जाएगा। डबल टॉप का ब्रेक डाउन होगा, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। RSI में डाइवर्जेंस है, ठीक है, और एक पेंडिंग मूव है नीचे के लिए और उसके बाद एक अप मूव दिखाई देगा मार्केट में, ठीक है। तो एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। नाउ अगर एक गैप डाउन होता है और वो ऊपर आ जाता है इस तरीके से, तो हम बाय क्रिएट करेंगे। अगर साइडवेज खुलता है और ऊपर जाना चालू होता है तो हम बाय क्रिएट करेंगे। अगर गैप अप होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे, एंड अगर गैप अप होकर रिट्रेस होकर ब्रेक करता है तो भी हम तो मेजर क्वांटिटी से, एक अच्छी क्वांटिटी से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ये सब कॉल्स नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। डिस्क्लेमर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मूविंग अहेड बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में मुझे सेम सेटअप दिखा एकदम, बट इतना सॉलिड नहीं है, एंड द रीजन इज कि इसमें आपको सपोर्ट टेबल्स में भी दिक्कत होगी। अगर आप एक फिबोनाची बनाओगे बॉटम से लेकर टॉप तक, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकडाउन के बाद, लेट्स से कि यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन के बाद आपको 0.5 फिब एंड 0.6 फिब बहुत ही पास दिखाई देंगे, ठीक है। तो रीजन कि पास दिखाई देंगे, तो आपको ब्रेकडाउन हो गया फिर 1:1 भी नहीं मिल पाएगा ढंग से, ठीक है। 1:2 के लिए जाओगे तो 0.6 हो जाएगा, लेस प्रोबेबिलिटी रेट हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को छोड़ दें, एंड बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन से अपने आप में एक कन्विक्शन लाएंगे या ब्रेकआउट से एक कन्विक्शन लाएंगे कि हम निफ्टी में अपनी ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अमेजिंग स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक है जैक्सन फार्मा। ओके, सो जैक्सन फार्मा जो है अब मूविंग एवरेजेस का कोई काम नहीं है, सिमेट्रिकल पैटर्न है, कितने दिन का, 200 डेज अराउंड का सिमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक है। फर्स्ट रिजेक्शन ये, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन्थ आज रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स रिजेक्शन मिला है, तो काफी स्टिफ कंसोलिडेशन हुआ है विद अ सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकआउट। बुल्स वर्सेस बियर्स का कंसोलिडेशन हुआ है, बुल्स ऊपर पुश कर रहे हैं, बियर्स नीचे पुश कर रहे हैं, और एक साइड जब इस तरीके की कैंडल दिखती है अगर आपको, फर्स्ट टारगेट विल बी 240 एंड सेकंड टारगेट विल बी 226। ये अपने एंट्री प्राइस होगा और ये अपने एग्जिट प्राइस होंगे, एंड द रीजन किस तरीके से एग्जिट प्राइस निकाला है मैंने अगर देखा जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इस तरीके से एक सेट रखो, उसको यहाँ पे ले आके रख दो इस तरीके से, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। एंड टॉप से लेके बॉटम तक के एक फिबोनाची बनाओगे तो आपको ये प्राइस भी मिल जाएगा, ये वाला टारगेट भी मिल जाएगा। अगर इस तरीके का एक ब्रेकआउट मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे तो ही एंटर करेंगे। Moving ahead, we have Adani Power. So what I'm seeing in Adani Power is resistance, again and again hindrance. Finally, एक breakout candle मिली है, but उसमें wick है। उसमें wick है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपने एंट्री कर ली है तो SL अपना इस लो के नीचे रखो या तो कैंडल के नीचे रखो, दो SL होंगे। अगर कैंडल इसके नीचे रख रहे हो तो फॉर द टारगेट विल बी ये,
मार्क कर देता हूँ, अगर एंट्री अगर ले चुके हो, ब्रेकआउट है अपना असेंडिंग ट्राइंगल, ब्रेकआउट है यहाँ से, ठीक है, और एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होकर ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो कैंडल के नीचे एसएल टारगेट नंबर वन ये होगा, अगर आप इस स्विंग के नीचे अपना एसएल रख रहे हो तो टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। इस तरीके से प्लान करनी है अपनी ट्रेड। इंडस टावर जो है वो अपना नेक्स्ट सेटअप है, इंडस टावर बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, एक बॉटम से लेके टॉप तक का एक फिबोनाची मैं बनाऊंगा आपके लिए, तो आपको पता चलेगा कि ये 0.5 जो रेड लाइन है वो 0.5 फिबोनाची है, सिमेट्रिकल पैटर्न है, 1 2 3 4 5 टाइम नीचे हिट हुआ है एंड मोर देन 5 to 6 टाइम ऊपर हिट हुआ है, एंड आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0.1 पे अगर एक ब्रेकआउट कैंडल इस तरीके से दिखाता है, शो करता है, सो प्रॉपर ट्रेड वहां से लेनी है, इनिशिएट करनी है अराउंड अराउंड इन लेवल से, ठीक है, एंड उसी के नीचे के रिस्क का वो रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, पोजीशन साइज नहीं, तो इसके नीचे अगर एसएल रखोगे तो इस टारगेट पे एग्जिट करना, बट अगर इसके नीचे एसएल रख रहे हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है क्या पता यहाँ से ब्रेक डाउन कुछ न्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाए स्टॉक, तो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक एसएल रखेंगे, बट अगर वो एसएल रख रहे हो तो टॉप्स एंड अ न्यूअर हाई, एक न्यू हाई या फिर टॉप का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मूविंग अहेड वी हैव एस्टर, इसमें मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ आज, जैसा कि बहुत बार एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, तो एंट्री मैं कर चुका हूँ, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे चुका था, एंड द रीजन कि क्यों ट्रेड ये लेनी है, क्या हुआ है इस ट्रेड में, वो सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले काफी वीडियोस में, चेकआउट दोज वीडियोस एंड डेली चेकआउट करा करो एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स अगर आपके पास है। ओके, मूविंग अहेड वी हैव एवर रेडी। ओके, तो एवर रेडी में मुझे क्या दिखता है कि एक फॉलिंग टाइप का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, फॉलिंग पैटर्न, एंड उसके बाद मुझे दिखा कि ये एक हिडन पैटर्न भी है इसमें, सो यार ये सिमेट्री, ये जो पैरेलल चैनल पैटर्न है ये इनसाइड पैटर्न है जो फॉलो हो रहा था, ठीक है, रिजेक्शन 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 और मदर बार। अब मदर बार ब्रेक यहाँ से हुई नहीं है, मतलब निगलेक्ट हो गई है मदर बार। ओके, वॉट वी नीड इज अ कैंडल जो इसके ऊपर जाए, तो इसके ऊपर निकलते एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी है, फिर अगर क्लोज कर जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो रेस्ट हाफ ऑफ द क्वांटिटी या फिर मेजर क्वांटिटी ऐड इसमें कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। टारगेट्स विल बी द टॉप एरियाज, ठीक है, तो इस विक के ऊपर जाए तो एंट्री की पोजीशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, एंड इसके नीचे अपना एसएल रखना है, इस तरीके से प्लान करनी है एवर रेडी की ट्रेड। ओके, मूविंग अहेड वी हैव डिवीज लैब, सो डिवीज लैब में स्ट्रक्चर देखो, ब्रॉडनिंग पैटर्न था, ब्रॉडनिंग पैटर्न का यहाँ क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, फिर यहाँ आके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, बट कंसोलिडेशन में देखो क्या हुआ, हायर लो बन के ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर आप टारगेट ये ले रहे हो, विच इज बहुत ही एविडेंट है ये, क्योंकि देखो रेजिस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और ब्रेकडाउन के बाद फॉल हो गया, तो इसको हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे, क्या पता इसके बाद भी फॉल आए, तो अपना रिस्क क्या होगा, कैंडल का लो। अगर हम लोग इसको टारगेट ले रहे हैं तो हम लोग अपना रिस्क रखेंगे इस लेवल को, इसके ऊपर क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, ये टारगेट क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये गैप डाउन है फिर रेजिस्टेंस भी खाया है वहां से, इट्स अ प्रीटी हैवी रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉक आएगा तो रेजिस्टेंस खा के गिर जाएगा, सो दैट्स व्हाई प्लानिंग जो है सिर्फ इस लेवल तक की रहेगी, इससे ऊपर देखेंगे, अगर एक रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट आता है तब देखेंगे क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू जो आजकल के जो वीडियोज है वो क्रिस्प शॉर्ट हो एज पर योर कन्वीनियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करना विद दोज पीपल हु रियली नीड सम एजुकेशन इन दिस फील्ड इन स्टॉक मार्केट एंड वुड लव टू मेक सम मनी विद मी। टेलीग्राम लिंक डेफिनेटली ज्वाइन करना, दोज पीपल जिनको कमेंट सेक्शन में दिक्कत होती है कुछ बोलने में तो वो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कभी भी बात कर लो, ठीक है, एंड डेफिनेटली चेकआउट द टेलीग्राम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि कल होगा, क्योंकि डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनते हैं, एंड आई होप अ गुड ट्रेडिंग डे फॉर यू।